नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A52s 5G versus LG Wing का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy A52s 5G में 6.3 इंच जबकि LG Wing में 6.67 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy A52s 5G में 2.96 इंच जबकि LG Wing में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy A52s 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy A52s 5G में 0.33 इंच जबकि LG Wing में 0.43 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Galaxy A52s 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy A52s 5G में 189 ग्राम्स जबकि LG Wing में 260 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Galaxy A52s 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy A52s 5G में Super AMOLED जबकि LG Wing में की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Galaxy A52s 5G में 20:9 जबकि LG Wing में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy A52s 5G में 6.5 इंचेस जबकि LG Wing में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy A52s 5G में 1080x2400 और LG Wing में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy A52s 5G में 84.94% जबकि LG Wing में 87.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy A52s 5G में 405 पिक्सेल प्रति इंच जबकि LG Wing में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy A52s 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और LG Wing की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy A52s 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और LG Wing की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy A52s 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और LG Wing में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy A52s 5G में Adreno 642L जबकि LG Wing में Adreno 620 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy A52s 5G में Qualcomm Snapdragon 778G और LG Wing में Qualcomm Snapdragon 765G मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy A52s 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है जबकि LG Wing में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy A52s 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि LG Wing में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy A52s 5G में अप टू 1TB जबकि LG Wing में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Galaxy A52s 5G में Android V11 जबकि LG Wing में Android V10 क्यूट देखने को मिलती है।
बैटरी गैलेक्सी A52s 5G में 4500 mAh जबकि LG विंग में 4000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो गैलेक्सी A52s 5G में 3 कलर्स जबकि LG विंग में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो गैलेक्सी A52s 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 33,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 37,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें LG विंग की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy A52s 5G में 6 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें LG Wing की तो उसमें 4 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A52 है जो कि 23,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy A72 है जो कि 34,999 रुपए में मिलता है। तीसरा OnePlus 9R है जो कि 39,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S25 5G है जो कि 47,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।